ओम नमः शिवाय भक्तों, आप ये तो जानते होंगे कि हमारे लिए ओम मंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जानते होंगे कि आखिर इतना महत्व क्यों है, ओम की शक्ति का क्या राज है, जाने कैसे नाम लेने मात्र से दूर होते हैं कष्ट। हिंदू धर्म में ओम का बहुत ही महत्व है। ओम में त्रिदेव का वास माना गया है। ओम का उच्चारण करने से धर्म, काम, मोक्ष व अर्थ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ओम के प्रभावशाली होने के प्रमाण हैं कि किसी भी मंत्र के जाप के आरंभ में ओम लगाया जाता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याम बताते हैं कि ओम के उच्चारण मात्र से सभी संकटों का निवारण होता है। ग्रंथ शास्त्रों में ओम के अनेक प्रभावशाली और चमत्कारी लाभ बताए गए हैं। आइए जानते हैं ओम की शक्ति का क्या राज है। राजनीतिक ग्रंथों में ओम की शक्ति को विस्तार से बताया गया है। ओम में इस सृष्टि का रहस्य व ज्ञान छुपा हुआ है। ओम के उच्चारण में तीन अक्षरों की ध्वनि संचारित होती है, आ, उ और म। इसमें आ वर्ण सृष्टि, उ वर्ण स्थिति व मा लय का सूचक है। इन तीन अक्षरों से ओम बना है। ओम में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। ओम का के उच्चारण में ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम को ब्रह्मांड की आवाज भी कहा जाता है। ओम के जाप से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। ओम जाप से फायदे के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है, ओम के जाप से शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। ओम के जाप से मन में शांति और स्थिरता प्रदान होती है। ओम के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते तो ओम का उच्चारण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ओम के उच्चारण से मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। ओम का उच्चारण करना शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। इससे रक्तचाप आदि नियंत्रण में रहता है। हालांकि ओम का उच्चारण साफ व खुले वातावरण में करना चाहिए, इससे इसमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। ओम का उच्चारण मात्र करने से शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति प्रदान होती है। ओम का उच्चारण और जाप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप सही प्रकार से पूर्ण ध्यान लगाकर ओम का जाप करते हैं तो इससे आपको सकारात्मक आत्मा और शक्ति प्रदान होती है, शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओम के उच्चारण में होने वाला कंपन शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद माना गया है। पंडित हितेश कुमार शर्मा बताते हैं कि ओम के उच्चारण से रक्तचाप और पेट से जुड़ी बीमारियों को भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ओम एक संस्कृत मंत्र जो कंपन और ध्वनि दोनों है, उससे प्रतिष्ठित हो सकता है। ऐसा माना गया है कि ओम ने ही है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। एक प्राचीन ग्रंथ कहता है कि सारा संसार ओम के अलावा कुछ भी नहीं। ओम उच्चतम कंपन और शुद्धतम ऊर्जा का प्रतीक है जो अस्तित्व में सभी चीज़ों को जोड़ता है। हिंदू धर्म में कई मंत्र हैं जिसका प्रभाव नियमित रूप से उनके जाप करने पर व्यक्ति पर पड़ता है और उसके जीवन में दिखाई भी देता है। इन मंत्रों में एक अक्षर का बेहद प्रभावशाली मंत्र है ओम, जिसके जाप से कई चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं।